हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से व्यूवर्स जानना चाहते थे कि मैं बाथरूम टाइल्स की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। बाथरूम को आप कितना भी ड्राई और क्लीन रखें, लेकिन एक टाइम के बाद हार्ड वाटर स्टेन्स और डस्ट की वजह से टाइल्स डर्टी दिखने लगती हैं। बहुत ही नैरो स्पेस और कॉर्नर्स में डर्ट इस तरह से स्टिक हो जाती है कि उन्हें निकालना मुश्किल होता है। कोई भी DIY क्लीनर बाथरूम टाइल्स की अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर सकता। सो पिछले 2 साल से मैं एक स्पेशल टाइल क्लीनर का यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। एंड येस, ये एक केमिकल प्रोडक्ट है, ये इन्वायरमेंट और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर हम इसका यूज़ डेली बेसिस पे करते हैं तो। बट एक बार इसके साथ की गई क्लीनिंग के बाद 3 to 4 months तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। किचन काउंटर्स को क्लीन करना हो या फिर घर की डस्टिंग करनी हो, मैं हमेशा DIY क्लीनर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वो काम है जो डेली और रैपिडली करने होते हैं। सो किसी तरह के भी हार्ड केमिकल्स का यूज़ डेली बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टाइल क्लीनर और टैप क्लीनर, जिसको मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने इस वॉशरूम को पिछले 10 से 15 दिन से प्रॉपर क्लीन नहीं किया है, स्पेशली कॉर्नर्स, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये क्लीनर किस तरह से काम करता है। सोप और शैम्पू की वजह से तो वॉशरूम स्टिकी हो ही जाते हैं, बट कुछ लोग वॉशरूम में ऑयल का यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा सबसे डर्टी लगते हैं हार्ड वाटर स्टेन्स, तो किसी तरह का कोई भी स्टेन हो, आपका वॉशरूम शाइन ही करेगा आफ्टर यूजिंग दिस क्लीनर। और ये है वो क्लीनर मैजिक मोमेंट्स, यहाँ पे लिखा भी है सेराक्लीन रैपिड एक्शन टाइल क्लीनर, और वाकिया ही इसका एक्शन बहुत रैपिड होता है। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा मकसद किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है। सो आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप से कोई भी अच्छा टाइल क्लीनर लेकर ट्राई कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका प्राइस है 208 और एक बॉटल मेरी 1 साल चल जाती है, जबकि मेरे घर में 4 वॉशरूम्स हैं, बहुत ही कम लगता है ये। और 200 में मेरे को 1 साल के लिए अगर टाइल क्लीनर मिल जाए तो बहुत महंगा सौदा नहीं है। मैं आपको इन प्रोडक्ट्स का लिंक नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें खुद हार्डवेयर की शॉप से किया है। इसे कॉटन के क्लोथ पे लगा के भी टाइल्स क्लीन की जा सकती हैं, लेकिन मैं इसे स्प्रे बॉटल में फिल करके ही यूज करती हूँ। ऐसा करने से मेरी क्लीनिंग ज्यादा इजी हो जाती है। क्लीनर लगाने से पहले पानी के साथ हम वॉशरूम को अच्छे से गीला कर लेंगे, तो जस्ट हमने इसको गीला करना है, ज्यादा पानी वहां पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्लीनर का स्प्रे करेंगे। ये स्प्रे आप फ्लोर टाइल्स पे, वॉल टाइल्स पे, कहीं पे भी कर सकते हैं जहाँ पे आप क्लीनिंग करना चाहते हैं। लगा देने के बाद टाइल्स कवर की हेल्प से इसको फैला देंगे पूरे वॉशरूम में। आप इसको अच्छे से एक बार रब कर दें ताकि पूरा क्लीनर इक्वली सब जगह पे फैल जाए। फैला देने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, 1 से 2 मिनट में ही अपना काम कर देता है। 2 मिनट के बाद उसी स्क्रबर से आप टाइल्स को स्क्रब करना शुरू करेंगे। स्क्रब करते करते आप देखेंगे कि आपकी टाइल्स कितनी क्लीन होना शुरू हो गई हैं। वॉशरूम की साइड्स, कॉर्नर्स को अच्छे से रब करें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है। आप उसके लिए ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो आई थिंक आप देख पा रहे हैं डिफरेंस क्लीनिंग के पहले और क्लीनिंग के बाद। अब यहाँ पे कोई भी स्टेन आपको नज़र नहीं आएगा। और इस तरह से पानी के साथ इसे अच्छे से वॉश कर लें। टैप्स को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर टैपी CP केयर। टैप की हर तरह की प्रॉब्लम के लिए ये बेस्ट क्लीनर है। इसका प्राइस है 165। तो आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील की जितनी भी टैप्स होती हैं हमारे घर में, उनमें इस तरह के हार्ड वाटर स्टेन्स ज़रूर आ जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। अगर मैं इनको डिटर्जेंट से भी साफ़ करती हूँ तो वो उतने क्लीन नहीं हो पाते जितने इस क्लीनर से हो जाते हैं। तो कॉटन के कपड़े के ऊपर थोड़ा थोड़ा हम क्लीनर लगाते रहेंगे और इसके ऊपर रब करेंगे। 2 मिनट तक इसको छोड़ेंगे और उसके बाद साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर देंगे।
के साथ क्लीन करने के बाद हमारी टैप्स में नई टैप्स जैसी शाइनिंग आ जाती है। बाथरूम की रेगुलर क्लीनिंग की वजह से बहुत कम होता है कि ऐसे क्लीनर की जरूरत पड़े, लेकिन 6 मंथ में अगर आप ऐसे क्लीनर को एक बार यूज कर लेते हैं तो आपका वॉशरूम हमेशा शाइन करता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।